मछली पकड़ते हुए एक आदमी के जाल में लड़की फंस जाती है। वो कहां से आई थी ये किसी को नहीं पता था। वो आदमी उसकी टांगे खोलकर अपने आप को ठंडा करना चाहता है। मूवी की कहानी बहुत ही मजेदार है और एंडिंग लाजवाब है, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हम साइरस नाम के बंदे को देखते हैं जो मछुआरा होता है, और अचानक से उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक लड़की भी फंस जाती है। साइरस उसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वो उसकी सुरंग की गहराई नापने लगता है। वो लड़की जिंदा थी इसलिए थोड़ा हिल रही थी, लेकिन उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। साइरस पानी निकालने में उसकी हेल्प करता है। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई। साइरस उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। वो लड़की किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए साइरस उसे अपनी मॉम के यहाँ लेकर आता है। उसकी मॉम मर चुकी थी और यहाँ पर साइरस के सिवा कोई भी नहीं रहता था। साइरस को अकेला रहना पसंद है। फिर साइरस वहाँ से निकलकर अपनी एक्स वाइफ मौरा के पास जाता है। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। उसकी बेटी का नाम एनी है और उसकी किडनी खराब है। एनी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक उन्हें मैच नहीं मिल जाता तब तक उन्हें डायलिसिस करना पड़ेगा, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। जब डायलिसिस चल रही थी तब एनी कहती है, आप मुझे एक स्टोरी सुनाओ। साइरस उसे एक स्टोरी सुनाता है। एक फिशरमैन था जिसके जाल में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की फंस जाती है। तभी एनी कहती है, क्या वो लड़की सल्की थी? सल्की बच्चों की नॉवल का कैरेक्टर है जो समुद्र से अपने सील कोट में आई हुई थी। अगर वो अपना कोट वरी कर देती है तो 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। एनी इस बात पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करती है। साइरस की स्टोरी इनकम्प्लीट थी इसलिए एनी को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद नर्स उसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर देती है जिसे देखकर एनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। घर वापस आने पर मोरा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो लोग लेट हो चुके थे। अगले दिन साइरस उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। वो उस लड़की से कहता है, कल मुझे लगा था मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन अब ये हकीकत है। उसके बाद साइरस मछली पकड़ने के लिए जाता है। वो लड़की उसके साथ जाने के लिए कहती है लेकिन साइरस उसे मना करता है। इसके बाद वो मान जाता है। साइरस उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपना नाम याद आ गया? तब वो लड़की कहती है, तुम मुझे ऑनडिन बुला सकते हो। ऑनडिन सिर्फ नाटक कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऑनडिन फिर एक गाना गाती है। इसके बाद जब साइरस मछली पकड़ रहा था तब उसे बहुत सारी मछलियाँ मिलने लगती है और वो ऑनडिन से कहता है, तुम हमेशा मेरे साथ आ सकती हो और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ कट भी दे सकता हूँ। इसके बाद साइरस शॉपिंग करने के लिए जाता है और वो ऑनडिन के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। उसे अंडरगारमेंट खरीदने में शर्म आ रही थी इसलिए वो उन्हें चुरा लेता है। फिर वो एनी के पास जाकर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। साइरस कहता है, जो लड़की मुझे मिली थी वो गाना गाकर अपने पास मछली को बुला सकती है। एनी कहती है, सल्की भी ऐसा कर सकती है। फिर वो ऑनडिन के पास आता है और उसे कपड़े दे देता है। दूसरी तरफ एनी लाइब्रेरी जाती है क्योंकि साइरस की बातें उसे अजीब लग रही थी, इसलिए वो बुक लेकर रिसर्च करती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं, जब ऑनडिन नहा रही थी तभी उसके पास एनी आती है। एनी उससे कहती है, तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड बात कर रहे थे। एनी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर है? मेरी बीमारी को तुम ठीक कर सकती हो? लेकिन ऑनडिन उसे कुछ भी नहीं बताती। एनी कहती है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक कोट भी है, अगर तुम उसे वरी कर देती हो तो 7 साल के लिए जमीन पर रह सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं साइरस को एनी ने जो स्टोरी बताई थी इसके बारे में वो खुद भी रिसर्च करने लगता है। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो ऑनडिन को ढूंढते हुए उस टाउन में पहुंच गया था। फिर अगले दिन साइरस ऑनडिन को अपने साथ लेकर शिप पर जाता है। ऑनडिन फिर से गाना गाती है। इस बार भी इन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। जाल में ऐसी मछलियाँ भी फंस जाती हैं जो नॉर्मल जाल से पकड़ना मुश्किल था। अगले सीन में साइरस की बोट पर कोस्ट गार्ड आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं, तुमने इस जाल से ये मछली कैसे पकड़ी? इसके बाद वो जाल को चेक करते हैं। यहीं पर साइरस ने ऑनडिन को छुपा रखा था और वो कहता है, क्या बोट पर लड़की को लाना क्राइम है? कोस्ट गार्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनका ये टाउन काफी छोटा होता है, छोटी छोटी बातें भी सबको पता चल जाती हैं। साइरस कहता है, अब तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा, अब तुम छुपकर नहीं रह सकती हो। इसके बाद जब ये लोग सिटी में पहुंचते हैं तब सब लोग ऑनडिन को ही देख रहे थे। फिर ये लोग एनी से मिलते हैं। एनी कहती है, हम दोनों मिल चुके हैं। अगले सीन में ऑनडिन शॉपिंग के लिए जाती है क्योंकि साइरस के लाए हुए कपड़े उसे फिट नहीं थे। फिर ऑनडिन घर पर आकर एनी से कहती है, तुम स्विमिंग क्यों नहीं करती? तुम्हें बहुत ही रिलैक्स फील होगा। एनी को पानी से डर लगता है लेकिन ऑनडिन के साथ वो चली जाती है। जब ये लोग स्विमिंग कर रहे थे तभी ऑनडिन के पैर से कुछ लगता है। उस जाल में कोई चीज थी। एनी को लगता है ये ऑनडिन का कोट है और वो उससे कहती है, अगर तुम इसे मिट्टी में दबा देती हो तब तुम 7 साल तक जमीन पर रह सकती हो। ऐसा करने के लिए ऑनडिन भी मान जाती है और ये उसे मिट्टी में दबा देते हैं। फिर ये लोग बोट पर आते हैं। तब एनी ऑनडिन से पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। एक्चुअल में जो आदमी ऑनडिन को ढूंढ रहा था वो उसका हस्बैंड है। आज उनके यहाँ पर कंपटीशन था तो सब लोग उसे देखने के लिए आए हुए थे। एनी के पूछने पर ऑनडिन कोई भी जवाब नहीं दे रही थी इसलिए वो उसे टेस्ट करने के लिए पानी में गिर जाती है। तभी ऑनडिन उसे बचा लेती है और ये सब उसका हस्बैंड देख लेता है। एनी की ये हालत देखकर मोरा साइरस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। उसे लगता है ये सब ऑनडिन की वजह से हो रहा है। जब साइरस और ऑनडिन घर पर आते हैं तब ऑनडिन पूछती है, तुम्हें वो इस तरीके से ट्रीट क्यों करती है? तब साइरस कहता है, एक दिन एनी बेहोश हो गई थी, मोरा ड्रंक थी और मैं भी ड्रंक था। अब वो अपनी बेटी को अच्छे से ख्याल रखना चाहता है इसलिए उसने दारू
दारू छोड़ दी है, लेकिन फिर भी उसे एनी की कस्टडी नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ एक फिशरमैन है। ये सब सुनने के बाद ऑन्डेन उसके काफी क्लोज आ गई थी और ये घपा घप करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑन्डेन का हस्बैंड साइरस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साइरस उसे इग्नोर करके चला जाता है। एक दिन वो ऑन्डेन को ढूंढते हुए घर तक पहुंच जाता है। ऑन्डेन उसे देखकर डर जाती है और पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। जब साइरस वहां पर आता है तब ऑन्डेन उसे नहीं मिलती और वो उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। फिर एक जगह पर वो उसे मिल जाती है। ऑन्डेन उसे बताती है उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा है, अगर वो विश कंप्लीट कर पाती तो वो एनी की बीमारी ठीक कर देती। साइरस कहता है मैं विश करता हूँ तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं मोरा का हस्बैंड और मोरा ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे थे। इस गाड़ी में एनी भी थी। दूसरी तरफ से ऑन्डेन का हस्बैंड बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। फिर इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मोरा के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब साइरस और ऑन्डेन को पता चलता है तब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साइरस को बताते हैं मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच कर गई है, वो एक डोनर भी था इसलिए एनी की किडनी मिल जाती है। ये वही विश थी जो अभी अभी ऑन्डेन ने की थी। ऑन्डेन का हस्बैंड उसे कहता है मेरे साथ चलो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन ऑन्डेन उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन मोरा के हस्बैंड का फ्यूनरल था और इस सब का जिम्मेदार वो अपने आप को मान रही थी और वो साइरस से कहती है अब मैं एनी का ख्याल नहीं रखना चाहती और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइरस को दे देती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है तुम्हें ऑन्डेन को छोड़ना पड़ेगा। ये सब करना साइरस के लिए बहुत हार्ड था। मोरा कहती है आज रात तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। साइरस ने 2 साल से ड्रिंक नहीं की थी लेकिन फिर भी उसे ये करना पड़ता है। इसके बाद वो ऑन्डेन के पास जाकर कहता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और वो जबरदस्ती उसे उसी आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे पहली बार मिली थी। ये सब करते हुए उसका दिल टूट रहा था लेकिन फिर भी उसे ये सब करना पड़ता है। इसी हालत में वो अपनी रात पेड़ पर बिताता है। इसके बाद साइरस एनी को घर पर लेकर आता है। अगली सुबह जब एनी टीवी देख रही थी तब जो गाना ऑन्डेन हमेशा गाती थी ये गाना टीवी पर आता है। ये गाना सुनने के बाद साइरस रियलाइज करता है ऑन्डेन कोई समुद्री जीव नहीं है, ऑन्डेन समुद्र से आई हुई लड़की नहीं है। वो जल्दी से भागकर उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है मुझे सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तब वो बताती है मैं रोमानिया में थी और एक गैंगस्टर मेरी हेल्प लेकर ड्रग को सप्लाई करता था। एक दिन वो पानी के रास्ते से जा रहे थे तभी पुलिस आ गई। मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी है, उसने मुझे कहा तुम पानी में कूद जाओ और मैं तैरते तैरते डूब रही थी फिर तुम्हारे जाल में फंस गई। ये सब सुनकर साइरस को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर पहले से ही ऑन्डेन का हस्बैंड मौजूद था, उसके साथ एक और आदमी भी था। फिर वो उन सबको धमकाने लगता है मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए, हमने मूवी में देखा था जब ऑन्डेन को कुछ मिला था वो ड्रग्स थे। फिर ऑन्डेन उसे बता देती है लेकिन वहां पर उसे वो बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने वो बैग निकालकर कहीं और रख दिया था। एनी को लगता है जब तक वो बैग जमीन में दबा हुआ है ऑन्डेन 7 साल तक उसके साथ रहेगी। काफी पूछने के बाद एनी उस बैग की लोकेशन उन्हें बता देती है। इसके बाद जब वो लोग बैग लेने के लिए जाते हैं तब ऑन्डेन को पता था उसका हस्बैंड उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो रस्सी खींचकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए डूबकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ऑन्डेन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो यहाँ की सिटीजन नहीं है, वो उसे उसकी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। लेकिन साइरस को एक आइडिया आता है, अगर वो उससे शादी कर लेता है तब वो यहाँ की सिटीजन बन जाएगी। साइरस ऑन्डेन को प्रपोज करता है और वो उसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद ये लोग बोट पर जाकर शादी करते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।